एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने चित्रकार को अपना चित्र बनाने को दिया था, मगर अभी तक उसने वह पूरा नहीं किया है, उसको तुरंत दरबार में पेश किया जाए। शाही चित्रकार दरबार में आया और उसने कहा कि महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका चित्र नहीं बनाया है। इसमें अकबर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इतने दिनों से दिया गया चित्र तुमने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया, जबकि तुम तो एक दिन में ही चित्र बना लेते हो। तब शाही चित्रकार ने अकबर को सारी बात बताई। वह बोला, महाराज, जब एक हफ्ते पहले मैं दरबार से गया तो मैं आपका ही चित्र बना रहा था। तभी वहाँ एक तुकाराम नामक सेठ आया। वह बोला कि अगर मैं उसका एक चित्र बनाऊंगा तो वह मुझे सोने की मोहर देगा। मैंने उससे कहा कि मैं चित्र के बदले एक सोने की मोहर लेता हूँ। फिर वह बोला कि चित्र हो बहु मेरे जैसा होना चाहिए, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही चित्र दिखे। मैंने उसका चित्र बनाया और जब मैं उस तुकाराम सेठ के घर वह चित्र लेकर पहुंचा तो वह बोला कि देखो, तुम्हारे चित्र में तो मेरी दाढ़ी है, जबकि अभी मेरी दाढ़ी नहीं है। मैंने तुमसे यही शर्त रखी थी कि चित्र ऐसा होना चाहिए जैसा मैं इस समय दिख रहा हूँ, तो ऐसा करो कि तुम यहीं रुको और मैं झूले पे बैठ जाता हूँ और तुम मेरा चित्र बनाओ। चित्रकार ने कहा कि महाराज, मैं उसकी बात मान गया और वह झूले पे सोता रहा और मैं उसका चित्र बनाता रहा। जब वह सेठ सो गया तो मैं उसका चित्र लेकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब मैं वहाँ आया तो मैंने उससे कहा कि सेठ जी, आपका चित्र तैयार है, आप मुझे एक मोहर सोने की दे दीजिए। जैसे ही उस सेठ ने वह चित्र देखा तो वह बोला कि यह चित्र तो मेरे जैसा नहीं है, मैं तो इस चित्र में सो रहा हूँ, जबकि इस वक्त तो मैं उठा हुआ हूँ। उसकी बात मैं समझ गया कि वह मुझे सिर्फ परेशान कर रहा है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ, आप ही मेरी समस्या का समाधान निकालें। अकबर बोले, शाही चित्रकार जी, क्या आप मुझे सब चित्र दिखा सकते हैं? तब उस चित्रकार ने अपने बनाए गए सभी चित्र दिखाए, जिसे देखकर अकबर हैरान रह गए और वह बोले कि तुमने तो बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, इसका मतलब वह सेठ ही तुम्हारे चित्रकारी का अपमान कर रहा है, तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा इस बात पर क्या कहना है? तब बीरबल बोले, बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीरबल ने चित्रकार को कुछ समझाया और उसको दोबारा सेठ के पास जाने को कहा। अब जैसे ही वह चित्रकार सेठ के पास पहुंचा तो उसने कहा कि सेठ जी, आपका चित्र तैयार है, कृपया आप देख सकते हैं। तब वह सेठ बोला, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी चित्र बना लिया, जरा दिखाओ तो। जैसे ही चित्रकार ने उस सेठ के आगे वह चित्र रखा तो वह बोला, अरे ये तो आईना है, इस आईने को तुम चित्र कह रहे हो? तभी वहां पर अकबर और बीरबल दोनों आ गए, उनको देखकर वह सेठ डर गया। तब अकबर बोले कि तुकाराम, यदि तुमको अपना चित्र चाहिए ही नहीं था तो तुम इस बेचारे को परेशान क्यों कर रहे थे, तुमको इसकी सजा मिलेगी। तब तुकाराम ने सर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, दरअसल आपने मेरे परम मित्र की जगह इसको शाही चित्रकार के रूप में नियुक्त किया, बस इसी का गुस्सा था जो मैं इस पर निकाल रहा था। तब अकबर बोले, तुकाराम, यदि हमने इसको शाही चित्रकार के रूप में नियुक्त किया है तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। तब बीरबल बोले कि तुमने महाराज का गुस्सा इस बेचारे चित्रकार पर निकाला, जो बहुत गलत बात है, इसके लिए तुम्हें इस चित्रकार से माफी मांगनी चाहिए। तब उस सेठ ने उस चित्रकार से क्षमा मांगी और अपने बनाए गए सारे चित्र खरीद लिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी की गलती की सजा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए।